हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर चैनल अनुज जिंदल डॉट इन। तो पिछली कुछ वीडियोस में मैंने आपको सिलॉजिज्म एंड स्क्वायर ऑफ ऑपोजिशन इसके कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट समझाए हैं। उन्हीं में से कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट जो मैंने आपको समझाए थे, एक मैंने आपको बताया था कन्वर्जन। तो एक मैंने आपको कन्वर्जन के कुछ रूल्स बताए थे कि कैसे हम एक कैटेगोरिकल प्रोपोजिशन को दूसरी कैटेगोरिकल प्रोपोजिशन में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो मैंने आपको बताया था कि ए टाइप स्टेटमेंट को हम आई टाइप स्टेटमेंट में कन्वर्ट कर सकते हैं। देन मैंने आपको बताया था आई टाइप को आप आई टाइप में कन्वर्ट कर सकते हैं। देन अगर हम बात करें ई टाइप की, तो ई टाइप की जो स्टेटमेंट होती है उसको हम ई टाइप में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, एंड ई टाइप की स्टेटमेंट को हम ओ टाइप स्टेटमेंट में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। उसके अलावा मैंने आपको बताया था कि जो ओ टाइप स्टेटमेंट है उसमें कोई कन्वर्जन पॉसिबल नहीं होता। तो ये मैं आपको अपनी वीडियो में बता चुका हूँ, बट स्टूडेंट्स को इसमें कुछ कन्फ्यूजन आ रही है, वो इसमें कुछ कन्फ्यूजन फेस कर रहे हैं। तो उसी चीज़ को मैं आज इस वीडियो के थ्रू उस कन्फ्यूजन को क्लियर करने वाला हूँ। इसके अलावा मैंने अपनी एक वीडियो में आपको ये भी समझाया था कि अगर एक स्टेटमेंट ट्रू है तो दूसरी स्टेटमेंट ट्रू होगी कि नहीं होगी। ये मैंने आपको रिलेशंस के थ्रू बताया था, जो कि कॉन्ट्ररी स्टेटमेंट्स होती हैं, सब कॉन्ट्ररी, कॉन्ट्राडिक्ट्री एंड सबॉल्टर्न। तो मैंने आपको अपनी वीडियो में ये भी समझाया था कि अगर एक स्टेटमेंट ट्रू है तो दूसरी ट्रू होगी कि नहीं होगी। तो जैसे कि अगर हम बात करें कॉन्ट्ररी स्टेटमेंट्स की, जो कि आपकी कौन सी स्टेटमेंट्स होती हैं, ए एंड ई, ए एंड ई आपकी कॉन्ट्ररी स्टेटमेंट्स होती हैं। तो इसमें मैंने आपको बताया था कि दोनों एक साथ कभी भी ट्रू नहीं हो सकते। तो ए एंड ई दोनों एक साथ ट्रू नहीं हो सकते, दोनों फॉल्स हो सकते हैं, या फिर एक ट्रू हो सकता है एक फॉल्स हो सकता है। तो ये चीज़ें भी मैंने आपको अपनी वीडियो में ऑलरेडी कवर कर रखी हैं। तो आज की इस वीडियो में मैं कुछ एग्जाम्पल्स के थ्रू आपको बताऊंगा कि आपको क्वेश्चंस को कैसे इंटरप्रेट करना है इन रूल्स को ध्यान में रखते हुए। सो फ्रेंड्स, अगर आपको आज की ये वीडियो अच्छी लगे तो आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, ताकि हम आपके लिए और ऐसी बेनिफिशियल वीडियोस लेके आ पाए। ये वीडियो आपके यूजीसी नेट पेपर वन के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा अदर गवर्नमेंट एग्जामिनेशन और अदर कॉम्पिटेटिव एग्जामिनेशन में भी आपको ये वीडियो काफ़ी हेल्प करेगी, क्योंकि सिलॉजिज्म एक ऐसा टॉपिक है जो बहुत सारे एग्जाम्स में पूछा जाता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो मैं आपको एक एक करके जो हमारी चार टाइप्स की कैटेगोरिकल प्रोपोजिशंस है, यानी कि ए, ई, आई एंड ओ, तो मैं आपको एक एक करके उनके बारे में बताऊंगा कि आपको उनको कैसे इंटरप्रेट करना है। तो आपको पता होगा कि जो सिलॉजिज्म का क्वेश्चन होता है उसमें क्या होता है, एक होती है मेजर प्रीमाइस, एक होती है माइनर प्रीमाइस और एक होता है आपका कंक्लूजन, राइट। तो सिलॉजिज्म के क्वेश्चन आप सबने देखे ही हैं। तो मैं आपको ये बताने वाला हूँ कि जो आपकी मेजर प्रीमाइस और जो आपकी माइनर प्रीमाइस है, तो आपको उनके लिए जो वेन डायग्राम बनाना है वो आपको कैसे बनाना है, या फिर आपको इनको कैसे इंटरप्रेट करना है। तो हम एक एक करके देखते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे ए टाइप स्टेटमेंट की, यानी कि यूनिवर्सल पॉजिटिव। तो आपकी यूनिवर्सल पॉजिटिव स्टेटमेंट जो है, यहाँ पर मैं एग्जाम्पल ले रहा हूँ, ऑल डॉग्स आर कैट्स। तो ये वाला एग्जाम्पल मैं कंटिन्यू कर रहा हूँ। तो देखिए, सिलॉजिज्म के क्वेश्चन में आपको ये मेजर प्रीमाइस में दे रखा हो चाहे माइनर प्रीमाइस में दे रखा हो, तो अगर आपको ये प्रीमाइस दे रखी है बेसिकली कि ऑल डॉग्स आर कैट्स, तो मैं आपको अब ये बता देता हूं कि इसमें कौन से पॉसिबल वेन डायग्राम बन सकते हैं, क्योंकि एक सिलॉजिज्म के क्वेश्चन में कई सारे पॉसिबल वेन डायग्राम्स होते हैं। तो अगर ये स्टेटमेंट है वो ऑल डॉग्स आर कैट्स, तो इसमें आप देखिए आपके कौन से पॉसिबल वेन डायग्राम बन सकते हैं। तो एक तो आपका यह बन सकता है कि ये आपके डॉग्स एंड दिस बिगर सर्कल कैट्स, तो एक पॉसिबिलिटी तो ये हो गई, राइट। तो अगर वेन डायग्राम ये है मान लीजिए, तो ये स्टेटमेंट तो ट्रू होगी ऑब्वियसली। एंड अगर आपका ये भी हो, मान लीजिए डॉग्स इज इक्वल टू कैट्स, कि जो डॉग्स हैं वही सारे के सारे कैट्स भी हैं, तो एक ये पॉसिबल वेन डायग्राम भी बन सकता है। बेसिकली आपको वो वेन डायग्राम्स बनाने हैं जो इस स्टेटमेंट को ट्रू रखें। ये स्टेटमेंट हमारी सही होनी चाहिए, तो ये इसमें भी सही हो रही है स्टेटमेंट, और ये स्टेटमेंट इस वेन डायग्राम में भी सही प्रूफ हो रही है। अब आप देखिए, इसके अलावा आप और कोई वेन डायग्राम यहां पे नहीं बना सकते, क्योंकि इन्हीं दो वेन डायग्राम में ये स्टेटमेंट ट्रू होल्ड कर रही है। तो यूनिवर्सल पॉजिटिव टाइप की जो स्टेटमेंट होगी, यानी कि ए टाइप जो स्टेटमेंट होगी, उसमें यही दो पॉसिबल वेन डायग्राम्स बन सकते हैं। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं आई टाइप स्टेटमेंट। आई टाइप स्टेटमेंट हमारी कौन सी होती है, पर्टिकुलर पॉजिटिव। तो यहां पर मैंने एग्जाम्पल लिया है सम डॉग्स आर कैट्स। अब देखिए, अगर ये स्टेटमेंट आपको ये प्रीमाइस दे रखी हो क्वेश्चन में, सिलॉजिज्म के क्वेश्चन में, तो इसमें ये चार पॉसिबल वेन डायग्राम्स ही बन सकते हैं।
सबसे पहले सम डॉग्स आर कैट्स, ये तो सबसे बेसिक डायग्राम है जो सबको पता ही है। तो यहाँ पे सम डॉग्स आर कैट्स, तो देखिए ये अगर ये वेन डायग्राम है तो ये स्टेटमेंट ट्रू होल्ड कर रही है, क्योंकि कुछ डॉग्स ऐसे हैं जो कैट्स हैं, तो ये वैलिड डायग्राम है। नेक्स्ट देखिए आप, यहाँ पे आप देखिए सारे डॉग्स कैट्स हैं, यहाँ पे ऑल डॉग्स आर कैट्स, तो अगर ऑल डॉग्स आर कैट्स हैं तो सम तो ट्रू होगा ही, क्योंकि मैंने आपको क्या बताया था, मैंने आपको बताया था कि जो ए टाइप स्टेटमेंट होती है यानी कि यूनिवर्सल पॉजिटिव, उसको हम आई टाइप स्टेटमेंट में कन्वर्ट कर सकते हैं, ये मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं। तो अगर ये आपका ए टाइप स्टेटमेंट का डायग्राम है तो इसको हम आई में कन्वर्ट कर ही सकते हैं, तो अगर ये डायग्राम है तो ये स्टेटमेंट आई स्टेटमेंट ये तो वैलिड होगी राइट, तो ये ट्रू है तो ये तो ट्रू होगा ही। तो ये आपका सेकंड डायग्राम हो गया, ये भी वैलिड है क्योंकि ऑल डॉग्स आर कैट्स हैं तो सम डॉग्स आर कैट्स भी होंगे। नेक्स्ट आप देखिए, यहाँ पे देखिए ये आउटर सर्कल डॉग्स के लिए है और ये इनर सर्कल कैट्स के लिए है, तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे ऑल कैट्स आर डॉग्स है, सारी की सारी कैट्स जो है वो डॉग्स का पार्ट है, बट सारे के सारे डॉग्स कैट्स नहीं है, यहाँ पे ये जो डॉग्स हैं ये कैट्स हैं, बट ये जो बाहर वाले हैं डॉग्स ये कैट्स नहीं है, तो यहाँ पे सम डॉग्स आर कैट्स हैं और ये वाले जो सम डॉग्स हैं ये कैट्स नहीं है राइट, तो सम डॉग्स आर कैट्स यहाँ पे ट्रू हो रहा है, सम डॉग्स आर कैट्स, तो ये थर्ड डायग्राम भी वैलिड हो गया क्योंकि यहाँ पे ये जो इनर सर्कल वाले डॉग्स हैं ये कैट्स हैं। एंड अगर हम फोर्थ देखें तो कैट्स एंड डॉग्स ये दोनों कोइंसाइड कर रहे हैं, यानी कि दोनों एकदम इक्वल हैं, जो सारे के सारे डॉग्स हैं वही सारे के सारे कैट्स हैं। तो इस डायग्राम में अगर आप देखेंगे तो ऑल डॉग्स आर कैट्स हैं एंड सिमिलरली ऑल कैट्स आर डॉग्स, ये भी है, दोनों ही ट्रू है। तो अगर ऑल डॉग्स आर कैट्स हैं तो सम डॉग्स आर कैट्स भी ट्रू होगा राइट, तो ये डायग्राम भी वैलिड है। तो जो आपका आई टाइप स्टेटमेंट होगी उसमें ये चार पॉसिबल डायग्राम्स बन सकते हैं। तो स्टूडेंट्स को इसमें ये कंफ्यूजन आती है कि इस स्टेटमेंट का ये डायग्राम कैसे बन सकता है, तो मैं आपको यहां पे वही समझा रहा हूं कि अगर ये डायग्राम है इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है ऑल डॉग्स आर कैट्स, इसका मतलब है ऑल डॉग्स आर कैट्स, तो अगर ये सिचुएशन है ऑल डॉग्स आर कैट्स तो ऑब्वियसली सम डॉग्स आर कैट्स तो होगा ही होगा, क्योंकि डॉग्स का अगर आप कुछ पार्ट भी लेंगे तो वो भी कैट्स का पार्ट ही होगा राइट, तो अगर ये है तो ये तो ट्रू होगा ही। यहां पे हम ये बिल्कुल नहीं कह रहे कि हम आई को ए में कन्वर्ट कर रहे हैं, अगर आप ध्यान से देखेंगे यहां पर भी ए आई में ही कन्वर्ट हो रहा है क्योंकि ये ए स्टेटमेंट का डायग्राम है, और हम ये कह रहे हैं कि अगर ये डायग्राम ट्रू है तो ये स्टेटमेंट भी ट्रू होगी, यानी कि इस डायग्राम की स्टेटमेंट ये है और इस स्टेटमेंट को हम इसमें कन्वर्ट कर सकते हैं, तो यहां पे हम ए से ही आई पे जा रहे हैं, आई से ए पे नहीं आ रहे। स्टूडेंट्स को इसमें कई बार कंफ्यूजन हो जाती है। नेक्स्ट हमारा आता है ई टाइप स्टेटमेंट, यानी कि यूनिवर्सल नेगेटिव, तो इसको हम लिखते हैं नो डॉग्स आर कैट्स। तो इसमें आप देखिए इसमें एक ही डायग्राम पॉसिबल है क्योंकि डॉग्स और कैट्स में कुछ भी कॉमन नहीं है, तो इसमें हम सिर्फ यही डायग्राम बना सकते हैं, इसके अलावा और कोई डायग्राम पॉसिबल नहीं है। एंड फाइनली अगर हम बात करें, हमारी बचती है ओ टाइप स्टेटमेंट, जो कि होती है पर्टिकुलर नेगेटिव स्टेटमेंट या पर्टिकुलर नेगेटिव प्रोपोजिशन। तो ये हो गया हमारा सम डॉग्स आर नॉट कैट्स। तो इसमें अगर आप देखेंगे इसमें ये तीन पॉसिबल डायग्राम्स बन सकते हैं, तीन पॉसिबल वेन डायग्राम्स बन सकते हैं। सबसे पहले ये वाला डायग्राम, इसमें आप देखिए ये डायग्राम आपका है नो डॉग्स आर कैट्स, यहाँ पे कोई भी डॉग कैट नहीं है, तो ये एक तरीके से अगर आप देखें ये आपकी ई टाइप स्टेटमेंट हो गई। तो मैंने आपको बताया भी था कन्वर्जन के रूल्स में कि ई टाइप जो स्टेटमेंट है वो ओ टाइप स्टेटमेंट में कन्वर्ट हो सकती है, तो इसलिए अगर ये डायग्राम होगा यानी कि ये ई टाइप स्टेटमेंट होगी तो इसको हम ओ टाइप में कन्वर्ट कर सकते हैं राइट, तो ये डायग्राम वैलिड है क्योंकि अगर ये ट्रू है तो ये तो ट्रू होगा ही राइट। देन नेक्स्ट डायग्राम हम बना सकते हैं इस टाइप का, तो यहां पे आप देखिए ये जो डॉग्स हैं ये वो डॉग्स हैं जो कैट्स नहीं है, तो ये डायग्राम भी पॉसिबल है, तो अगर ये डायग्राम होगा तो ये स्टेटमेंट तो ट्रू होगी राइट। एंड अगर आप ये डायग्राम देखें तो इसमें बाहर वाला सर्कल डॉग्स है एंड उसके अंदर एक छोटा सर्कल कैट्स है, तो यहाँ पे सारी की सारी कैट्स जो हैं वो डॉग्स का पार्ट है, यानी कि ऑल कैट्स आर डॉग्स राइट। बट यहाँ पे आप देखें ये जो डॉग्स हैं ये वो डॉग्स हैं जो कैट्स नहीं है, तो सम डॉग्स आर नॉट कैट्स, तो इस डायग्राम के थ्रू भी ये स्टेटमेंट ट्रू होल्ड कर रही है, तो ये डायग्राम भी वैलिड है। तो आप देखेंगे ओ टाइप स्टेटमेंट में आप ये तीन पॉसिबल वेन डायग्राम्स बना सकते हैं, इसके अलावा और कोई डायग्राम पॉसिबल नहीं है। तो कई स्टूडेंट्स को कंफ्यूजन ये हो सकती है कि ये ओ टाइप स्टेटमेंट है तो इसको हमने
ई टाइप में कैसे कन्वर्ट कर दिया, हमने इसको ई में कन्वर्ट नहीं करा है, बल्कि हमने ई टाइप का डायग्राम बनाया है और उससे हम ये शो कर रहे हैं कि ओ टाइप स्टेटमेंट ट्रू होगी। तो अगर एक्चुअल वेन डायग्राम इस टाइप का होगा तो हमारी ये स्टेटमेंट तो ट्रू होगी ऑब्वियसली। तो इस वेन डायग्राम से हमारी नो डॉग्स आर कैट्स ये स्टेटमेंट भी ट्रू होगी, और इस डायग्राम से हमारी सम डॉग्स आर नॉट कैट्स ये स्टेटमेंट भी ट्रू होगी। तो हमें इसको ऐसे समझना है कि अगर हमारा डायग्राम इस टाइप का हो, यानी कि ई टाइप स्टेटमेंट का हो, तो उसमें नो डॉग्स आर कैट्स ये भी ट्रू होगा और सम डॉग्स आर नॉट कैट्स ये भी ट्रू होगा। सो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में जो मैंने आपको समझाया है ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए अगर आपको सिलॉजिज्म का क्वेश्चन सॉल्व करना है, क्योंकि बहुत से स्टूडेंट्स को ये चीज़ पता ही नहीं होती कि हम एक स्टेटमेंट से कितने पॉसिबल वेन डायग्राम्स बना सकते हैं, और अगर पता भी होती है तो उसके पीछे का लॉजिक पता नहीं होता। तो देखिए, कोई भी कॉन्सेप्ट हो, अगर हमें उसका लॉजिक नहीं पता तो फिर हम उसमें कई बार गलती कर बैठते हैं, क्योंकि हमें उसके पीछे का लॉजिक या मूल कॉज नहीं पता। तो हमें पता होना चाहिए कि जो हम चीज़ कर रहे हैं वो हम क्यों कर रहे हैं। तो मैंने आपको यहाँ पे लॉजिक के थ्रू भी समझा दिया है। सो अब आप अगर क्वेश्चन अटेम्प्ट करेंगे तो आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी, क्योंकि मैं अपनी वीडियोस के थ्रू अब सारे कॉन्सेप्ट्स कवर कर चुका हूँ। सो फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो पसंद आई हो, कुछ नया सीखने को मिला हो, तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। हमने UGC NET के लिए एक सेपरेट YouTube चैनल भी क्रिएट किया है, तो आप उस चैनल को जाके सब्सक्राइब कर सकते हैं, ताकि आपको UGC NET से रिलेटेड जो भी इंपॉर्टेंट वीडियोस हो उसका एक्सेस मिल पाए और उन वीडियोस के थ्रू आप बेनिफिट उठा पाए। सो ऑल द बेस्ट गाइस, प्रिपेयर वेल फॉर योर UGC NET एग्जाम। इफ यू हैव एनी क्वेरीज और एनी डाउट्स, यू कैन पोस्ट दैट क्वेरी इन द कमेंट सेक्शन बिलो। ऑल द वेरी बेस्ट, हैव अ नाइस डे।